हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि इन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है और सीरत गुस्से में अपने ऑफिस चली जाती है। रास्ते में उससे जो है एक औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। देन वो ऑफिस पहुंचती है तो काफ़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि यार, अनिका का फ़ोन नहीं आया, मुझे ही ट्राई कर लेना चाहिए उसे मनाने के लिए। तो वो काफ़ी सरप्राइजेस वगैरह उसके लिए बुके वगैरह लेके घर पहुंचती है। और घर पहुंचती है तो देखती है कि अनिका वहाँ नहीं होती। वो अपनी अम्मी से पूछती है कि अनिका कहाँ गई, तो उसकी अम्मी बताती है कि वो तो अपने घर गई। तो कहती क्या कि हाँ, तो उसके अब्बू पापा आए थे और ले गए। तो सीरत की तो बहुत बुरी हालत हो जाती है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता किसी चीज़ में। वो सोचती है कि कॉल कर ले, लेकिन फिर वो उसे कॉल भी नहीं करती और चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। रूम में जब जाती है, वहाँ वो बैठी रहती है तो उसे कमरे में चारों तरफ ऐसा लगता है सिर्फ अनिका ही है। चारों तरफ उसे सिर्फ अनिका ही अनिका दिखाई दे रही होती है। उसे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा होता। तो जो है ऐसे ही बैठी रहती है वो, और बैठे बैठे सो जाती है। सो के उठती है तो जो है उसकी अम्मी बुलाती हैं कि आकर डिनर कर लो। तो चुपचाप नीचे जाती है और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। वहाँ डाइनिंग टेबल पे उसके लिए, सबके लिए मतलब डिनर लगाया जाता है। तो वो चुपचाप बैठी होती है, कुछ खा रही होती है, तभी उसे कुछ चाहिए होता है। तो कहती है अनिका जरा वो पास करना। तो वो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो कहती है करो ना पास अनिका, क्यों इतना टाइम लगा रही हो। हाँ, एक तो तुम मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। तो उसकी अम्मी उसके ऐसे शोल्डर पे हाथ रखती हैं, कहती हैं कि सीरत। तो सीरत फिर उनकी तरफ देखती है और फिर इधर उधर देखती है कि अनिका तो वहाँ होती ही नहीं है। उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है और वो चुपचाप खाना बीच में ही छोड़ के वहाँ से जाने लगती है। तो उसके अब्बू कहते बेटा खाना तो कंप्लीट कर लो। कहती नहीं अब्बू, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना। तो उसके अब्बू कहते हैं तो अनिका की याद आ रही है ना, तो उसके घर चले जाना मिलने कल। हाँ, इस समय तो लेट हो गया है काफ़ी, कल चले जाना उससे मिलने, मिल के आ जाना। तो कहती है जी अब्बू, लेकिन उसको तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, पूरा घर उसको काटने को दौड़ रहा होता है। जिधर देखती है सिर्फ अनिका दिखाई दे रही होती है उसे। तो चुपचाप जो है कमरे में चली जाती है। कमरे में जाके बेड पे चुपचाप लेट जाती है और ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। और उसके बाद जो है इधर उधर देखने लगती है। पूरा कमरा अनिका और उसकी यादों से भरा होता है। सुबह का सीन उसे याद आने लगता है जब अनिका उसे मना रही थी और वो कहती है मन में कि यार मुझे तभी मान जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मुझे तो गुस्सा आ रहा था, मैं जला रही थी उसको। यार क्यों चली गई यार, उसको वापस लाओ, मुझे नहीं पता मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना, मेरे से नहीं हो रहा। जो है ऐसे कहकर चुपचाप लेटी रहती है। उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। तभी जो है उसकी आँख लगती है और वो ड्रीम देखती है कि गेट खुला है, अनिका रूम में आई है और आके उसको ऐसे हक करके लेट गई है। कह रही है सीरत आई लव यू सो मच, तुम प्यार क्यों नहीं करने देते मुझे। हाँ, क्यों नहीं करने देती हो। अब तो याद आएगी ना तुम्हें मेरी, अब तो मैं गई, अब तुम्हें मेरी याद आएगी। और पता है मैं अब कभी नहीं लौट के आऊँगी, कभी नहीं। तुम मुझे बहुत चिल्लाती हो, बहुत गुस्सा करती हो मुझ पे, अब मैं आऊँगी भी नहीं। ये कह के अनिका वहाँ से जाने लगती है। तब तक सीरत की आँख खुल जाती है और एकदम से घबरा के उठ के बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है कि ड्रीम होता है। तो उसकी तो
और बैंड बज जाती है कि मतलब ये क्या था यार, अनिका मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। इतने दिन साथ में रहने के बाद अब उससे जुदाई, नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, कुछ करो अनिका को वापस लाओ। तो जो है वो अपना फोन उठाती है, देखती है कि अनिका का अभी भी कोई मैसेज या कॉल नहीं होता, तो उसे और गुस्सा आने लगता है कि मैं ही याद कर रही हूँ इस लड़की को, इसको मेरी याद नहीं आ रही। मतलब हद हो गई यार। ये कह के वो ब्लैंकेट ओढ़ के चुपचाप लेट जाती, कहती मुझे भी नहीं याद करना, मैं भी नहीं याद करूंगी इसको। और इधर अनिका जब अपने घर में होती है, सबसे अपनी मम्मी से मिलके सारा काम वगैरह करके वो अपने रूम में आके जैसे ही बैठती है, वो अपना फोन निकालती है, वो कहती है यार सीरत का कॉल आया होगा। तो फोन निकाल के वो देखती है तो कोई कॉल नहीं होता है, कहती है देखा इतना गुस्सा है मैडम के अंदर कि अभी तक कॉल नहीं आया। हाँ तो ऐसे करके चुपचाप जो है अपना फोन में सीरत की पिक्स निकालती है और देखने लगती है। तभी जो है सीरत उसको पीछे से हक करती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। नेक पे किस करते करते और उसके टॉप को रिमूव करने लगती है। तो अनिका कहती है मत करो यार, और तुमको भाई यार बता, आई मिस यू सो मच, सो 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 मच, तुम्हारे बिना ना बिल्कुल नहीं रहा जाता यार, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्या करूं। तो जो है ये कह के वो ऐसे पीछे मुड़ के सीरत को हक करने लगती है, तो बेड पे गिर जाती है क्योंकि सीरत वहाँ होती नहीं, वो ड्रीम देख रही होती है। तो जैसे वो गिरती है कहती ओ यार ये तो ड्रीम था यार, मेरी अभी कुछ घंटों में ये हालत है, और टाइम कैसे निकलेगा। मैं नहीं भाई, मुझे तो उसके साथ ही रहना है, लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ हो वो सब मंजूर है, लेकिन रहना मुझे उसके साथ ही है, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, कुछ करो मुझे सीरत से मिलना है। और इधर सीरत भी जब चुपचाप लेटी होती है तो उसे नींद नहीं आती और वो उठ के बैठ जाती है और इधर उधर जो है घूमने लगती है। तभी अनिका का फोन आ जाता है उसके फोन पे, तो फोन देखती है उठाती है तो कहती है आ गया मैडम का फोन, हाँ बहुत जल्दी आ गया, बहुत जल्दी ख्याल आ गया कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। तो वो एकदम से ऐसे कह के कहती यार कट जाएगा कट जाएगा, फिर वो फोन उठा लेती कहती हेलो। उधर अनिका बोलती है कि हेलो, और जो है अनिका रोने लगती है। तो सीरत कहती है क्यों रो रही हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, हाँ बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या बात है। तो अनिका बहुत रो रही होती है और सीरत इधर उसका रोना देख के बिल्कुल परेशान हो जाती है। वो कहती है क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा है, हाँ क्या बात है, घर में सब ठीक है ना, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कोई और बात तो नहीं है, प्लीज बताओ ना, मेरी सांसें रुक रही हैं यार, ऐसे रो तो मत, प्लीज बताओ क्या बात है। तो अनिका बोलती है कि कोई बात नहीं है। तो सीरत बोलती है बोलोगी क्या बात है, क्यों परेशान हो इतना। देखो देखो अनिका, मेरी सच में हार्ट बीट बहुत बढ़ रही है, मत करो यार ऐसे, प्लीज बता दो प्लीज। तो जो अनिका बोलती है कि याद आ रही है तुम्हारी बहुत ज्यादा, और तुम्हें तो मेरी याद आ नहीं रही होगी, एक बार भी कॉल नहीं किया मुझे, एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितनी याद आ रही होगी तुम्हारी। तो सीरत बोलती है कि मुझे भी आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, मैं तुमसे अभी मिलने आ रही हूँ, मुझे अपना एड्रेस बताओ, मुझे तुम्हें देखना है, तुम्हें टच करना है, तुम्हें हग करना है, कहाँ हो तुम, मुझे अभी बताओ, मैं अभी के अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास, मैं नहीं रह सकती इस तरह दूर तुमसे। तो जो है अनिका बोलती है पागल हो गई हो तुम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से जो है नहीं बिल्कुल नहीं,
ऊपर से आज ऑफिस भी गई हो और इतना काम भी किया होगा, मुझे नहीं पता। तो सीरत बोलती है, मैं ऑफिस गई थी, ये बात तुम्हें कैसे पता है, मैं तो तुम्हें बता के नहीं गई थी। तो निका कहती है, तुम मुझे टीज कर रही थी, मुझे पता है, और तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बहुत चाहती हूँ यार तुम्हें, अब नहीं जलन होती, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, और तुम मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए बोल रही थी, मुझे पता था तुम ऑफिस गई हो और ऑफिस से आई हो कितनी थकी हुई होगी, ऊपर से तुम्हारे चोट, ऊपर से मैंने मारा वो वाली चोट, सब तो है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम मैं कैसे तरीके से रह लूँगी, सुबह मिलते हैं, तुम सो जाओ चुपचाप, ठीक है, और मेडिसिन ली तुमने? तो सीरत बोलती है, नहीं लेनी मुझे मेडिसिन, ली थी क्या मैंने आज तक कभी अपने हाथ से, जो आज ले लूँ? तो निका कहती है कि बच्चा बेबी अब तो लेनी पड़ेगी ना, ले लो यार प्लीज। तो निका सीरत बोलती है, नहीं लेना यार मेरे को, पूरा कमरा पूरा घर मुझे काटने को दौड़ रहा है, और तुम गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं, एक मैसेज एक कॉल कुछ तो कर देती। तो निका बोलती है कि मैंने जो है ना सोचा था करने को, लेकिन मुझे टेंडम में आना पड़ा, मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो सीरत बोलती है, क्या हुआ उनको? तो कहती है, सर में दर्द हो रहा है, उनके बॉडी में पेन है बस, और कुछ नहीं। तो वो जो है बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान होती है, फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश करती है अनिका सीरत के सामने, जब सीरत को परेशान देखती है तो कहती है, अच्छा ठीक है ना, वैसे भी तुम्हें मेरे से मिलना तो था नहीं, रोमांस तो तुम्हें मुझसे करना नहीं था, कसम खाई थी तुमने, तो रहने ही दो ना, ठीक है चलो कल मिलते हैं। तो सीरत बोलती है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जो है मुझे नहीं पता, मैं बस तुमसे अभी मिलने आ रही हूँ, मुझे एड्रेस सेंड करो। तो निका बोलती है, तुम ना मेरे से पिट जाओगी, फिर तुम मुझे गुस्सा दिलाने वाला काम कर रही हो, मैं भूल रही हूँ ना, चुपचाप मेडिसिन लो और सो जाओ, सुबह मिलते हैं हम लोग। तो सीरत कहती है, एक तो यार तुम्हारा गुस्सा, मैं ना परेशान हो गई हूँ। तो अनिका बोलती है, तो तुम कैसी हरकतें करती हो, जब मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम सो जाओ तो सो जाओ चुपचाप। तो सीरत कहती है, ओके ठीक है जाओ। तो कह के फ़ोन रख देती है और चुपचाप जाके बिस्तर पर लेट जाती है। इधर अनिका फ़ोन काटने के बाद बहुत परेशान होती है, उसे चारों तरफ मतलब उसे हर मोमेंट पे लग रहा होता है कि सीरत आके उसे आग कर रही है, किस कर रही है, उसे छेड़ रही है, और वो ऐसे मिरर के सामने जाके खड़ी हो जाती है। तो वो देखती है मतलब अज्यूम करती है कि सीरत पीछे से आ रही है और उसके किस करने की कोशिश कर रही है, तो एकदम से ऐसे देखती है। और उसके बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ कोई नहीं है, तो वो एकदम रोने लगती है, कहती है, आई मिस यू सीरत, आई मिस यू सो मच, ये मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना, मुझे नहीं रहना, मुझे और यार ये मैंने क्या किया, अच्छा खासा तो आ रही थी मिलने, मैंने क्यों मना किया, मुझे नहीं मना करना चाहिए था यार, मैं ऐसे कैसे मना कर सकती हूँ, हद है यार। फिर वो कहती है, यार क्या हद है, उसकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है, सही किया मैंने, आराम करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसे आराम करने दो, उसे आराम ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा बोलती है और फिर चुपचाप आके अपने बेड पे लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती, वो इधर उधर करवट बदलती रहती है। और सीरत को मैसेज करती है, आई मिस यू सो मच यार, आई मिस यू सो मच, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, तुम्हें छूने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आई नो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो और सुबह ही मिलेंगे, किसी तरीके से मैं कुछ भी बहाना करके आऊँगी मिलने के लिए, लेकिन अभी तुम रेस्ट करो, गुड नाइट, टेक केयर, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही हूँ।
तो वह ऐसा मैसेज टाइप कर देती है। इधर वो मैसेज जब सीरत पढ़ती है तो सीरत को तो बिल्कुल नहीं रहा जाता, और वो चुपचाप नीचे आती है, इधर उधर टहलने लगती है। तो उसकी अम्मी और रेहाना वहीं सोफे पे बात कर रहे होते हैं बैठ कर, तो देखते हैं कि सीरत इधर उधर टहल रही है। तो रेहाना सीरत के पास जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो सीरत कहती है, अनिका तुम आ गई, यू आर मिसेस सो मच, और ऐसा कह के वो पीछे पलट के सीधे रेहाना को हक कर लेती है बिना उसे देखे। तो रेहाना उसको कहती है, अभी क्या हुआ? तो सीरत जो है जब रेहाना की तरफ देखती है कहती है, ओ तुम हो, मतलब मैं ख्वाब देख रही थी फिर से। तो उसकी अम्मी उसके पास आती हैं, कहती हैं, अनिका की याद आ रही है? हाँ। तो वो चुप हो जाती, कहती नहीं बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे क्यों याद आएगी उसकी? हाँ। तो उसकी अम्मी कहती हैं, चल ना, झूठ, तुम्हें याद आ रही है उसकी, तो फोन पे बात कर लो ना, क्यों परेशान हो? तो कहती अम्मी कर ली बात, और ज्यादा याद आने लगी, पूरा कमरा ना काटने को दौड़ रहा है बिल्कुल, जिधर बैठ रही हूँ उधर ही ऐसा लग रहा है अनिका है, अनिका है। और जब होश में आती हूँ तो अनिका नहीं होती, मेरे से नहीं रहा जा रहा बिल्कुल भी, मैं क्या करूँ? तो उसके मम्मी कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, अब घर तो उसे जाना ही था ना, परमानेंट तो यहाँ नहीं रह सकती थी। हाँ। तो सीरत कहती है कि परमानेंट अगर वो रह सकती तो कितना अच्छा होता ना, तो क्यों नहीं परमानेंट रह सकती, उसे परमानेंट रख लो ना घर के अंदर, उसके अम्मी अब्बू से बात करो और जो उसे रखो घर के अंदर परमानेंट। तो ऐसे कह के बहुत परेशान होती है, तो उसे खांसी आने लगती है। तो रिहाना उसके लिए पानी लाती है, वो पानी पीती है, उसे थोड़ा रिलैक्स होता है। तो जो है एक सिपॉल ले रही होती है, तभी उसकी अम्मी बोलती हैं कि तुम दोनों की शादी करा दे, हाँ तो परमानेंट आ जाएगी यहाँ पे। तो ये सुनते ही सीरत के मुंह से एकदम से पानी बाहर आ जाता है और खांसने लगती है, कहती है ये क्या कह रहे हो आप? तो जो है उसके में बोलते हैं, हाँ तो प्यार किया है, साथ रहे हो, और जहां तक मुझे लगता है प्यार की सारी यादें पार भी कर चुके होगे तुम लोग। हाँ। तो सीरत एकदम से अपना मुंह नीचे करती है, कहती है, अम्मी क्या बात कर रही हो आप, चुप हो जाओ, ऐसे कौन बोलता है, बेटी हूं मैं आपकी। तो जो है उसके अम्मी बोलते हैं, हाँ तो बेटी हो तो क्या, जो बोल रही हूँ सही तो बोल रही हूँ, मैं गलत क्या बोल रही हूँ, और बेटी हो तो मजाक करने के पड़ोसी के पास जाऊं? हाँ तो अब शादी करने में क्या दिक्कत है, कर लो शादी। तो सीरत कहती है, हाँ मैं शादी कर लूं, लेकिन अभी अभी मुझे सेटल होना है, उसके लिए घर लेना है। तो कहती है, अच्छा। उसके अम्मी कहती है, अच्छा तो ये घर उसका घर नहीं है? तो कहती है, अम्मी वो बात नहीं है, मैं एक अपना घर लेना चाहती हूँ, अपना और अनिका का, जो सिर्फ अनिका और मेरा होगा, अपने पैसों से। तो जो उसकी मम्मी उसके सर पे हाथ रखती है, कहती है, ले लेना, लेकिन तब तक उसे इस घर में रख लो लाके। तो सीरत ऐसे कहती है, अम्मी क्या बात कर रहे हो आप, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है। तो उसकी अम्मी कहती है, क्यों नहीं है पॉसिबल? हाँ। तो कहती है, अभी अब्बू को नहीं पता, अब्बू से बात करनी है, उसके घर में सबसे बात करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे कर ले, मजाक थोड़ी है। तो उसकी अम्मी हंसती हैं, कहती हैं कि देखो प्यार किया है तो इतनी हिम्मत तो तुम्हें करनी पड़ेगी और सबसे बात करनी पड़ेगी, है ना? तो सीरत कहती है कि हाँ करूंगी, लेकिन एक बार सेटल हो जाऊं सही से, बस ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है ना मम्मी, बस ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ में बहुत सारे हैं और धीरे धीरे सबका काम चल रहा है, लेकिन ये वाला ना, ये वाला बहुत, मतलब इससे मेरी बहुत सारी उम्मीद है, ये वाला एक बार सही से कंप्लीट हो जाए, इसके घर का इंटीरियर सही से हो जाए,
तो उसके बाद ना, उसके बाद मैं घर में सबको बता दूंगी, सबका अनाउंसमेंट कर दूंगी। और अभी अनिका की स्टडी भी तो है ना, उसका भी तो इस साल फाइनल है ना, तो उसके भी फाइनल्स हो जाएंगे, वो भी सेटल हो जाएगी। उसके बाद जो है बात करेंगे ना घर में, तो उसके मम्मी कहते हैं ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो कहती है कि अम्मी वो तो बात की बात है, अभी मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, बताओ अभी अभी के लिए मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, मुझे निका को देखना ही, कह के वो जो अपनी अम्मी को हक करती है और रोने लगती है, कहती है मुझे नहीं पता, लेके आओ उसको मेरे पास, मेरे को नहीं पता। तो उसकी अम्मी कहती है घड़ी की तरफ देखना, तो घड़ी की तरफ देखती है, कहती है क्या देखूं, 12:30 हो रहे हैं। तो कहती है हाँ तुम्हें ना रेस्ट की जरूरत है। तो वो कहती है आप अनिका की तरह बात मत करो, वो भी ऐसे ही बोल रही थी, मैंने उससे कहा मैं मिलने आ जाती हूँ, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं, उसे मेरे से मिलना ही नहीं है शायद, तभी तो मुझे बता के नहीं गई, उसे अभी भी गुस्सा है, सुबह मैं उस पर चिल्ला पड़ी थी। तो उसके मम्मी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ तुम्हारी हेल्थ को लेके जो है टेंशन में होगी, इसलिए उसने मना किया होगा। तो सीरत बोलती है कि हाँ टेंशन में ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा मुझे। और मम्मी मेडिसिन भी लेने का मन नहीं कर रहा, उसी के हाथ से लेनी है। तो उसके मम्मी कहते हैं अरे बाबा अच्छा ठीक है जाओ मिलाओ, ठीक है। तो अपनी अम्मी को हक करती, कहती है अम्मी सच में मैं जाऊँ, मैं मिलाऊँ उससे सच्ची में। तो कहती है हाँ जाओ। तो कहती है कि जाऊँ मैं, लेकिन तो कहती है आप क्या, लेकिन कहती है मुझे घर का एड्रेस नहीं पता और उसने दिया नहीं। तो जो है रिहाना कहती है कि हाँ ये तो है, घर का एड्रेस तो नहीं पता आपको। तो वैसे रिहाना की तरफ देखती है, तो रिहाना कहती है क्या क्या मतलब, मैं नहीं जा रही आपके साथ, मुझे एड्रेस पता है, मैं एड्रेस बता रही हूँ बट मैं नहीं जा रही, ऐसे मत देखो मुझे। तो सीरत जो रिहाना का हाथ पकड़ती, कहती प्लीज चलो ना, बहुत याद आ रही है मुझे उसकी, तुम गाड़ी में बैठी रहना, वहीं सो जाना गाड़ी के अंदर, मैं मिल के चले आऊंगी, प्लीज 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 प्लीज। तो रियाना पहले बहुत मना करती है, लेकिन फिर जब वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो रेडी हो जाती है, कहती है चलो तो मैं तुम्हारी मोहब्बत से मिला के लाती हूँ। तो सीरत बहुत खुश हो जाती है और वो गाड़ी निकालती है और फिर घर दौड़ के घर के अंदर जाती है। तो रियाना कहती है अब कहाँ, तो कहती है बस अभी आई, ये कह के वो दौड़ के घर के अंदर जाती है और वहाँ से उसके लिए जो भी सामान लाती है वो उठाती है और कुछ मेडिसिंस वगैरह अपनी उठाती है और फटाफट गाड़ी में आ जाती है और रखती है, कहती है चले। तो जो है वो कहती है हाँ चलो, तो उसे एड्रेस बताती है और सीरत फटाफट उसके घर के नीचे पहुँचती है। तो कहती है कि अब घर के अंदर कैसे जाएं, तो कहती कैसे क्या जाएं, डोरबेल बजाओ और चलो अंदर। तो जो है रिहाना कहती है आप पागल हो गई हो, डोरबेल बजाओ और चलो अंदर, रात का टाइम है, सब सो चुके होंगे, किसी को इस समय डिस्टर्ब करना कैसा लगेगा। तो सीरत बोलती है कैसा लगेगा, मिलने आई हूँ बोल दूंगी अनिका से, और तुम हो तो हम फ्रेंड हैं उसके। तो रियाना कहती है आप पागल हो गई हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, रात का 1 बज रहा है, 1 बजे हम किसी के घर किसी से मिलने जाते हैं, उसकी उसकी मम्मी क्या सोचेंगी, तुरंत डाउट हो जाएगा उन्हें कि कोई और चक्कर है। तो सीरत कहती है तो फिर पहले क्यों नहीं बताया, इतनी दूर ले आके अब कह रही हूँ नहीं मिलना, ये कोई बात है। तो रियाना बोलती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मिलना तो है ही आपको, और मिलवा के तो मैं छोड़ूंगी आपसे। तो कहती है कैसे, लेकिन मना कर रही हूँ अंदर जाने के लिए। तो रियाना बोलती है अब मोहब्बत में कभी कुत्ता तो कभी कुछ बनना पड़ेगा ना, कभी बना कुत्ता तो कभी बंदर। तो रियाना ओ सीरत रियाना की तरफ देखती है, कहती है क्या मतलब, तो कहती है मतलब ये कि ये दीवार यहाँ से छलांग लगाओ, अंदर जाओ और जो उसका फर्स्ट रूम वो दिख रहा है वो वाला जिसमें यहाँ से टेडी बियर दिख रहा है बड़ा सा,
सीरत बोलती है, अच्छा वो रूम है अनिका का? कहती नहीं वो रूम नहीं है अनिका का, उसमें घुस भी मत जाना, वो टेडी बियर जो है ना वो गेस्ट रूम है और ऐसे ही सजा के रखा गया है, उसके साइड वाला जो रूम है ना वो है अनिका का। तो जो सीरत कहती है यार तो डायरेक्ट बोलना चाहिए ना, ऐसे कौन बोलता है? तो रियाना हंसती है कहती है अरे वो टेडी बियर वाला रूम ही उसका है, देखो यहीं से टेडी बियर दिखता है उसका और लाइट जल रही है, इसका मतलब सोई नहीं है वो अभी तक। तो जो है सीरत उसकी तरफ देखती है कहती है यार एक बात बोलूँ? तो जो है रियाना बोलती है हाँ बोलो। कि अच्छा है ना उसका रूम फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का है, अगर फर्स्ट फ्लोर पे होता तो मैं कैसे कूद के जाती उसके घर में, कैसे चढ़ाई करती? तो रियाना हंसती है कहती है अगर होता ना तो आप वो भी कर लेती। तो कहती है अच्छा मैं रूम के अंदर कैसे जाऊंगी, रूम तो वही है, अब उसके लिए मुझे घर के अंदर एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो कहती है कि आप यहाँ से तो एंटर हो जाओ घर का दरवाजा मेन गेट। तो कहती है मेन गेट कैसे खुलवाऊंगी फिर मैं? तो कहती है कि अब वो जुगाड़ आप खुद ढूंढो, मुझे नहीं पता, जाओ जो करना है करो। तो ऐसे बोल देती है। तो सीरत कहती है अरे यार क्या करूँ मैं, कहाँ फंस गई मैं? तो रियाना बोलती है अच्छा आप फंसा हुआ फील कर रहे हो, चलो फिर बाहर चलते हैं रहने दो मिलने को। तो रियाना उसका सीरत रियाना का हाथ पकड़ती है कहती है पागल हो गई हो, जा रही हूँ मैं मिलने, उसके बिना मैं रह ही नहीं सकती। तो जो है सारा सामान निकालती है। तो रियाना कहती है ये लेके कैसे दीवार फांदोगे आप? तो वो कहती है मैं नहीं छल मैं इसे लेके छलांग नहीं लगा रही है, तुम मुझे बाद में पकड़ाओगे, समझ में आया? और चलो मेरे साथ अंदर। तो रियाना कहती है पागल हो गई हो, मैं क्यों जाऊँ, मैं यहीं रहूँगी मैं, अच्छा सुनो मैं यहीं रहूँगी ना गाड़ी के अंदर, अगर कोई आता है, हाँ लाइट चलती है किसी के कमरे की तो मैं आपको तुरंत फ़ोन कर दूँगी, ठीक है? तो आप अलर्ट हो जाना और हाँ सुनो जल्दी आना, ठीक है? पूरी रात मुझे इस गाड़ी के अंदर नहीं सोना है। तो जो है सिरत कहती हाँ हाँ मैं पक्का जल्दी आऊँगी। तो ये कह के वो दीवार पे चढ़ती है तो एकदम से गिर जाती है नीचे जमीन पे, कहती अरे यार। तो रियाना बोलती आप पागल हो हैं, वो सीढ़ी रखी है उससे जाओ ना, बढ़िया ही जो है हीरोइन बनने। यानी कहा सही कहती है आप में ना रोज सुबह शाम लगना चाहिए, तभी बुद्धि काम करेगी आपकी। तो ऐसे सीरत उसकी तरफ देखती कहती तुम हेल्प करोगी मेरी या मुझे सुनाओगी उसकी तरह? तो रियाना हंसने लगती है और जो है सीढ़ी उठाती है और दीवार से लगाती है। फिर सीरत जो है किसी तरह मतलब दीवार को छलांग लगा के अंदर जाती है और से सारा सामान लेती है रियाना से और अनिका के रूम की तरफ बढ़ती है और इधर उधर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो देखती है कि विंडो बंद होती है, कहती यार अब क्या करूं, अंदर कैसे जाऊं, ये खुलेगी कैसे? तो वो ऐसे देर काफी देर तक सोच रही होती है, कहती यार इसको कैसे ओपन करूं? तो जोर से ऐसे उस पे लगाती है वो जो है ग्लास वाला विंडो होता है स्लाइड करने वाला, तो जोर से उस पे धक्का लगाती है तो विंडो ओपन हो जाती है, कहती है थैंक गॉड ओपन हो गई। तो देखती है कि अंदर से झांक के देखती है कि कोई है तो नहीं कमरे में उसके, तो देखती है कि अनिका ऐसे ही चुपचाप बिस्तर पे लेटी हुई है और सो रही है लाइट वगैरह जला के। तो ऐसे वो काफी देर तक वहीं खड़ी होकर अनिका को देखती रहती, कहती हाय कितनी क्यूट लग रही है ना। ओ तो ऐसे वो देखती है और फिर कहती है यार यहाँ से क्या देख रही हो, अंदर जाती हो ना? तो सारा सामान अंदर की तरफ डालती है और कूद के अंदर आ जाती है और विंडो बंद कर देती है और विंडो के कर्टन्स लगा देती है जिससे किसी की नजर ना पड़े, और अनिका के पास जाती है और उसे टाइटली हक करती है, कहती है मेरा जान मेरा बच्चा है, कितना सुकून मिल रहा है तुम्हें हक करके। तो अनिका की आंख खुलती है और वो देखती है कि सीरत वहां होती है, तो कहती है ओफो यार मैं फिर से ख्वाब देख रही हूँ, हद हो गई, इतना भी क्या मिस करना कि अब मतलब सोते हुए भी उसी के ख्वाब आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और वो कह के फिर से आंखें बंद कर लेती है। तो सीरत हंसती है कहती ओहो मतलब आग दोनों तरफ बराबर की लगी है,
तो अनिका ऐसे आंखें खोलते कहते, देखो अब तो तुम बोल भी रही हो, पहले तो इशारे ही कर रही थी, अब बोल भी रही हो। यार इतना परेशान, इतनी इतनी स्ट्रांग इमेजिनेशन है मेरी यार, इतना इतनी याद आ रही है मुझे उसकी। तो जो है सीरत हंसने लगती है जोर जोर से। तो अनिका कहती है, वाह अब तो हंसा भी जा रहा है यार, मैं पागल हो जाऊंगी लग रहा है, मैं उससे इतना प्यार करने लगी हूँ, मैं उसके इश्क में पागल हो जाऊंगी, मुझे लग गया पक्की बात है। तो ऐसे कह के सर पे हाथ मार के बैठ जाती है और सीरत हंस रही होती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि अनिका के बिना परमिशन के उसे मना करने के बाद भी सीरत उससे मिलने आ गई है, और उसे घर में कोई देखता तो नहीं है। आगे क्या होगा ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में पता करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।